Good morning, students. Today we learn about a playwright. And playwright name is the Never Never Nest. ठीक है, Never Never Nest, ये जो playwright है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, playwright मतलब क्या होता है? एक एकांकी है ना, जहाँ पर कुछ पात्र होते हैं और उनके बीच में वार्तालाप होता है. ठीक है, तो यहाँ पर वो पात्र भी या वो कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं. उस कैरेक्टर में सबसे पहला है जैक. ठीक है, जैक एक आदमी है, यंग एज का आदमी है, उसकी अभी अभी शादी हुई है तो कुछ सालों पहले. उसके बाद जिल उसकी पत्नी, ठीक है, एंड आंट जेनी. ठीक है, उन दोनों के आंटी है आंट जेनी. ठीक है, और उसके बाद एक और है नर्स. ठीक, तो आइए इन कैरेक्टर के बीच में क्या क्या वार्तालाप होता है देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं सीन, जो वहाँ पर नज़ारा जो है, या जैसे ही पर्दा खुलता है तो क्या क्या दिखाई देता है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं. लॉन्ग ऑफ जैक एंड जिल्स विला. ठीक है, लॉन्ग का मतलब होता है बैठक कमरा कह सकते हैं हम लोग, जहाँ पर मेहमानों को रुकवाया जाता है, मेहमानों के साथ इंटरटेनमेंट किया जाता है, उसे हम लॉन्ग कहते हैं. और यहाँ पर एक और वर्ड आया है विला. विला वो होता है शहर की भीड़ भाड़ से दूर, एक दूर इलाके में एक बहुत बड़ा बंगला या फिर बहुत बड़ा घर या आलिशान घर जो होता है उसे विला कहते हैं. और ये विला कहाँ पर था? एट न्यू हैम्पस्टेड में था. न्यू हैम्पस्टेड एक शहर का नाम है, उसी से थोड़ा सा दूर में कंट्री साइड में गांव वाले इलाके में ये जैक एंड जिल का विला था. ठीक है, और उसी विला की लॉन्ग की सीन है, उसी लॉन्ग के बारे में, मतलब वहीं पर ये सारी बातचीत चल रही है. ठीक है, द एसेंशियल फर्नीचर कंसिस्ट. एसेंशियल मतलब आवश्यक, फर्नीचर तो जान ही रहे आप लोग, लकड़ी के बैठने सोने के सामान. ठीक है, कंसिस्ट वहाँ निहित था, वहाँ पर रखे हुए थे. ऑफ ए टेबल, उसमें था एक टेबल. ठीक है, ऑन विच आर राइटिंग मटेरियल्स, जिसमें लिखने वाले सामान भी थे. राइटिंग मतलब लिखने, मटेरियल मतलब लिखने के सामान, मटेरियल सामग्री. ठीक है, एंड टू चेयर्स, दो कुर्सियाँ थी, है ना. एज द कर्टेन राइजेस, जैसे ही कर्टेन राइज होता है, राइज मतलब उठना होता है, कर्टेन मतलब पर्दा, मतलब जैसे हमारी एकांकी चालू होती है तो पर्दा ऊपर उठता है. द लॉन्ग इज एम्प्टी, जो लॉन्ग था वो एम्प्टी था, वो खाली था. ठीक है, बट जैक एंड जिल कम इमीडिएटली, इन इमीडिएटली. ठीक है, जैक एंड जिल इमीडिएटली आते हैं, तत्काल आते हैं. इमीडिएटली मीन्स तत्काल. ठीक है, फॉलोड बाय आंट जेनी, आंट जेनी का पीछा करते हुए या आंट जेनी के पीछे पीछे वो आते हैं, मतलब आंट जेनी सबसे पहले आती है और उसके बाद उनके पीछे पीछे जैक और जिल आते हैं. ठीक है, चलिए प्ले चालू करते हैं. सबसे पहली जो लाइन है वो जिल की है. जिल क्या बोलती है? एंड दिस इज द लॉन्ग. ठीक है, लॉन्ग का मीनिंग मैं बता दिया हूँ, यह हमारी लॉन्ग है. ठीक है, आंट जेनी, चार्मिंग चार्मिंग, सच ए कोजी लिटिल रूम एंड सच ए प्रिटी फर्नीचर. ठीक है, वो प्रशंसा करती है उस रूम के बारे में, चार्मिंग चार्मिंग. ठीक है, चमकदार चमकदार या बहुत सुंदर, है ना. सच ए कोजी, कोजी मतलब सुखद होता है ना, तो सुखद छोटा सा कमरा है. एंड सच ए प्रिटी फर्नीचर, और बहुत सुंदर फर्नीचर यहाँ पर रखे हुए हैं, है ना. जैक मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मतलब संकोच से होता है. जैक आगे बोलता है वी लाइक इट, है ना, हम इसे पसंद करते हैं, यू नो, आप जानते हैं. हैंडी प्लेस मतलब सुंदर कमरा या सुखद कमरा. ठीक है, सुविधाजनक कमरा या सुविधाजनक जगह भी कह सकते हो. टू सीट इन, यहाँ पर बैठना. एंड लिसन टू रेडियोग्राम. ठीक है, रेडियोग्राम क्या होता है? ये थोड़ा सा विकसित वाला रेडियो है. ये ऐसा रेडियो है जिसमें FM भी चलता है और कैसेट भी चलता है और रिकॉर्डिंग भी होता है. ठीक है, तो आजकल हालांकि रेडियो का ज़माना चला गया है, लेकिन उस टाइम में रेडियो चला करता था जिसमें कैसेट डाल के गाना भी सुन सकते थे, FM भी चालू कर सकते थे, और कभी कभी रिकॉर्ड भी कर सकते थे. उसमें रिकॉर्डिंग भी की सुविधा थी, है ना, तो उसके क्या कहते हैं? रेडियोग्राम कहते हैं. ठीक है, आंट जेनी, ओ हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो. ठीक है, तुम्हारे पास, हैव यू गॉट, गॉट मतलब प्राप्त करना होता है, तुम्हारे पास रेडियोग्राम भी है ना,
एज वेल एज, और उसके साथ ही एक कार भी है और एक पियानो भी। वाह, है ना जैक? वाई ऑफ कोर्स, है ना अंजनी? क्यों नहीं अंजनी, ऑफ कोर्स मतलब निशंदेह होता है ना। यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नोवाडेज, है ना। सिंपली मतलब साधारण रूप से रेडियो सेट जो होता है नोवाडेज, मतलब आजकल सबके पास होनी चाहिए, सब आज के दुनिया में सबके पास रेडियो होनी चाहिए। ठीक है जिल, एंड इट इज़ सो नाइस फॉर मी। जिल क्या बोलती है? इट इज़ सो नाइस फॉर मी, मेरे लिए बहुत अच्छा है। व्हेन जैक्स अवे एट बिजनेस, जब जैक अपने बिजनेस में अवे जाता है, अवे मतलब दूर जाता है। ठीक है, आई इवन मेक हिम मूव इट इन टू द किचन। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, उसे मूव कर देती हूँ, उसे ले जाती हूँ, उसे हटा देती हूँ। कहाँ ले जाती हूँ? किचन में ले जाती हूँ। सो दैट, ताकि आई कैन लिसन टू इट वाइल आई कुकिंग। ठीक है, जब मैं कुकिंग कर रही हूँ, कुक कर रही हूँ, वेल आई कुक, जब मैं खाना पका रही हूँ, है ना, तब मैं उसे पकाती हूँ, तब उसे मैं सुन सकूँ। ठीक है जैक, सिट डाउन अंजनी, बैठ जाइए अंजनी, यू मस्ट बी टायर्ड। ठीक है, आप थक चुकी होंगी। एंड वी हैव सोन यू एवरीथिंग नाउ, और हमने आपको सब कुछ दिखा दिया है। सोन मतलब दिखाना होता है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, हमने आपको सब कुछ दिखा दिया है, इसलिए आप आराम से बैठ जाइए। ठीक है, जिल, जिल कहती है व्हाट डू यू थिंक ऑफ अवर लिटिल नेस्ट अंजनी। ठीक है, आप क्या सोचती हैं हमारे लिटिल नेस्ट के बारे में? नेस्ट मतलब घोंसला होता है, घोंसला से मतलब यहाँ पर घर से, हमारे छोटे से घर के बारे में आप क्या सोचती हैं आंजनी, ये पूछती है जिल। ठीक है, तो आंजनी जवाब देती है, आई थिंक इट्स वंडरफुल माई डियर्स। ठीक है, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, इट्स वंडरफुल, वंडरफुल मतलब होता है शानदार, माई डियर्स, है ना मेरे प्यारों, द फर्नीचर एंड द कार एंड द पियानो एंड द रेफ्रिजरेटर एंड द रेडियो, वाट इज इट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल, है ना। यहाँ पर वर्णन क्या कर रही है, उनके पास जो जो सामग्री थी उन सब के बारे में वर्णन हो रहा है। द फर्नीचर, ठीक है, द कार, कार तो आप लोगों को पता है, पियानो, पियानो मतलब एक बड़ा सा वाद्य यंत्र होता है ना। ठीक है, एंड द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज एंड रेडियो। ठीक है, वाट इज इट, क्या क्या है? इट्स वंडरफुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, रियली वंडरफुल, है ना, वास्तव में शानदार। ठीक है जैक, एंड वी, वो मतलब होता है कसम खाना। ठीक है, हम कसम खाते हैं, इट ऑल टू यू, ये सब आपके कारण है आंजनी। ठीक है, बोलती है यस जैक, दैट्स वॉट वरिंग मी। हाँ जैक, लेकिन यही तो मेरी चिंता है, वॉट्स जो वरिंग, वरिंग मतलब चिंतित कर रही है, मेरी चिंता है जैक, वरिंग यू आंजनी, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन, आपको चिंता है आंजनी, आप किस बात पे चिंतित हैं आंजनी? ठीक है, तो आगे देखते हैं आंजनी की चिंता क्या थी, वो बेचारी किस चिंता से परेशान थी, है ना। आंजनी क्या बोलती है, यस दैट चेक, वो जो चेक आई गेव यू, जो मैं दी थी, है ना, ये तुम्हें दी थी फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, तुम्हारी वेडिंग की प्रेजेंट में, है ना, शादी होता है तो गिफ्ट देते हैं ना, है ना, तो उन्होंने चेक भी दिया था, आंजनी ने चेक दिया था, उसी के बारे में वो चिंता कर रही थी। इट वॉज ओनली 200 पाउंड्स, ये केवल 200 पाउंड्स का था, है ना। पाउंड मतलब इंग्लैंड का ये मुद्रा है, केवल क्या था कि केवल 200 पाउंड का था, वाजंट इट, क्या है, क्या था कि नहीं था, है ना। आई डिडंट पुट 2000 बाय मिस्टेक, क्या मैंने उसे 2000 बाय मिस्टेक तो नहीं किया था, है ना। मतलब इसी बात की उनको चिंता थी कि मैं 200 तो मुझे करना था, 200 मैं लिखी थी, लेकिन वह गलती से कहीं 2000 तो नहीं हो गया था। ठीक है जिल, जिल बोलती है आगे, वाई नो आंजनी, नहीं आंजनी, क्यों नहीं आंजनी, वाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट, इसका क्या अर्थ है? अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, लेकिन यहाँ पर जब कोई बात के लिए आता है तो वो आधार होता है। ठीक है, तो आप जो ऐसा सोच रही हैं, थिंक कर रही हैं, उसका क्या आधार है आंजनी? ठीक, आंजनी रिलीव, है ना, रिलीव मतलब आराम करते हुए, हाँ मैं 200 ही लिखी थी, ऐसा उसे आराम होता है। वेल दैट्स ऑल राइट, ठीक है, ये सब ठीक है, बट आई स्टिल डोंट ऑल टूगेदर अंडरस्टैंड,
स्टिल मतलब अभी भी, डोंट नहीं, ठीक है, ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड, एक साथ अंडरस्टैंड करना मतलब समझना, मैं अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हूँ, ठीक है। दिस हाउस, इतना बड़ा घर है ना, इट इज़ वेरी लवली, ये बहुत सुंदर है, बट डजंट इट कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कीमत होता है, अ ग्रेट डील फॉर रेंट, ठीक है, ग्रेट डील मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा, फॉर रेंट, रेंट के लिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, है ना। जैक, रेंट, ठीक है, किराया, है ना। ओ नो, वी डोंट पे रेंट, हम रेंट नहीं पटाते हैं आंजनी, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, हम रेंट नहीं पे करते हैं, पे मतलब चुकाना होता है, हम पे नहीं करते हैं आंजनी, बट जैक, लेकिन जैक, इफ यू डोंट पे रेंट, यदि तुम रेंट नहीं पे करोगे, तुम नहीं चुकाओगे, यू विल गेट टर्न आउट, तुम्हें टर्न आउट किया जाएगा, तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, और क्या कहा जाएगा, कहाँ भेज दिया जाएगा, इनटू द स्ट्रीट, तुम सड़क पे आ जाओगे, सड़क पे बाहर निकाल दिया जाएगा अगर तुमने रेंट नहीं पे किया तो, ठीक है। एंड दैट वुड नेवर डू, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, न कभी नहीं करना, है ना। यू हैव जिल, तुम्हारे पास जिल है, एंड द बेबी, और छोटा सा बच्चा है, टू थिंक ऑफ नाउ, अब थोड़ा सा सोचो, है ना, यू नो, तुम्हें पता है ना। जैक, नो नो आंजनी, नहीं नहीं आंजनी, यू मिस अंडरस्टूड मी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, वी डोंट पे रेंट, हम रेंट नहीं पे करते हैं, रेंट नहीं चुकाते हैं, बिकॉज द हाउस इज ours, क्योंकि ये जो घर है इज ours, ये हमारा अपना है, खुद का घर है, इसलिए हम रेंट नहीं पटाते हैं, ठीक है। आंजनी, योर्स, तुम्हारा है ना, मतलब वो चौक जाती हैं और पूछती हैं, ये तुम्हारा है जिल, वाई, यस, क्यों, हाँ, है ना। यू जस्ट पे 10 pounds, आप 10 pounds पटाइए, पे मतलब चुकाइए, एंड इट इज योर्स, और ये आपका है ना। जैक, यू सी आंजनी, आपने देखा आंजनी, वी रियलाइज, हमने महसूस किया, हाउ अनइकोनॉमिक, या अनइकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक होता है ना, अनइकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से गलत चीज कह सकते हो, है ना। इट इज़ टू गो, है ना, गो मतलब जाना, अन पेइंग रेंट, रेंट चुकाने के लिए जाना, ठीक है, रेंट मतलब किराया, पेइंग मतलब चुकाना, किराया पटाने के लिए जाना, ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, ठीक है, साल दर साल हम लोग क्या करेंगे, रेंट चुकाएंगे, है ना। वेन यू कैन बाय, यदि हम बाय कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, एंड एन्जॉय अ होम, और एक घर का मजा ले सकते हैं, आप योर, आपका अपना, ओन, ओन मतलब अपना होता है, फॉर 10 pounds, कितने में, 10 pounds में, एंड अ फ्यू क्वार्टरली पेमेंट्स, क्या, फ्यू, कुछ क्वार्टरली पेमेंट्स, क्वार्टरली मतलब तिमाही, है ना, तिमाही पेमेंट करके, तिमाही चुका के, तिमाही किस्ती के चुका के, है ना, ऑफ कोर्स, ठीक है, नेशन डे, मतलब इनका जो घर था वो 10 pounds उन्होंने पटाए थे पहले, और उसके बाद हर तिमाही में कुछ किस्तियां पटाते थे, तो उनका वो घर उनका था, ठीक है। वाई बी मिस्टर टेनेंट, यहाँ पर उनका तर्क देखिए, वाई बी मिस्टर टेनेंट, हम मिस्टर टेनेंट क्यों बने, मिस्टर किरायादार क्यों बने, वेन यू कैन बी मिस्टर ओनर, जब हम मिस्टर ओनर बन जाएं, यदि हम मिस्टर ओनर बन सकते हैं तो मिस्टर टेनेंट क्यों बने, ओनर मतलब मालिक होता है, जब हम मालिक बन सकते हैं तो हम मिस्टर किरायेदार क्यों बने, ठीक है। आंजनी, आंजनी ने कहा, आई सी, अच्छा, है ना, यस देयर इज समथिंग इन दैट, हाँ यहाँ पर कुछ है, इवन सो, ठीक है, इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस, ठीक है, इसके अलावा भी यू मस्ट, तुम्हें चाहिए, बी गेटिंग मतलब प्राप्त करना, ऑन वेरी वेल, बहुत अच्छा, टू कीप अप, इसे रखना, अ प्लेस लाइक दिस, इस तरह का प्लेस, इस तरह की जगह, मतलब ये बहुत अच्छी जगह है, और इसे तुम्हें क्या करना है, अपने साथ में रखना है, एक साथ रखना और अपने पास में रखना है, ठीक है। जिल, ओ, है ना, ओ, हाँ,
है ना, ही इज वह रखेगा या वह है आंजनी, है ना। वाई ओनली लास्ट ईयर ही हैड फाइव सीलिंग राइज, है ना। लास्ट ईयर्स पिछले जो साल था उन्होंने फाइव सीलिंग राइज, उनका जो पेमेंट था उसमें फाइव सीलिंग राइज हुआ था, बढ़ा था। डिडंट यू जैक, क्यों नहीं जैक, है ना। यहाँ पर सीलिंग जो छोटा सा रुपये की मात्रा होता है, डॉलर की या पाउंड की होता है, पाउंड थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया और पैसा होता है वैसे पाउंड और सीलिंग्स होते हैं, ठीक है। तो सीलिंग मतलब छोटा होता है, तो फाइव सीलिंग ही उसका पेमेंट जो था वो बढ़ा हुआ था, किसका, जैक का, ठीक है। तो जिल उस चीज़ को बताती है, डिडंट यू जैक, वो पूछती है क्यों क्यों जैक, है ना। तो जैक जो होता है वो मॉडेस्टली कहता है, संकोच के साथ कहता है, ऑफकोर्स दैट वॉज नथिंग रियली, है ना। ये नथिंग मतलब नहीं था रियली, वास्तव में, ठीक है, निसंदेह वो वास्तव में नहीं था। आई एम एक्सपेक्टिंग, लेकिन मैं आशा करता हूँ, ठीक है, एक्सपेक्टिंग मतलब आशा करना, 10 दिस क्रिसमस, इस आने वाले क्रिसमस में मुझे 10 सीलिंग मेरा राइज हो जाएगा, ठीक है, 10 सीलिंग मेरा पेमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आंजनी सडनली, अचानक आंजनी बोलती हैं, जैक यू हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, है ना, जस्ट केवल, है ना, थॉट, सोचो आप समथिंग किसी चीज़ के बारे में, दैट कार इज इट योर्स, ठीक है, ये जो कार है वो तुम्हारा है। जिल, ऑफकोर्स इट्स ours, है ना, जिल जवाब देती है, वो जैक से पूछती है लेकिन जवाब जिल देती है, आंजनी, ऑल yours, सब तुम्हारा है। जैक, वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल, है ना, चूंकि हर चीज़ उनकी किस्ती में थी, ठीक है, तो सारा चीज़ तो नहीं है लेकिन हाँ हमारा है, है ना। आंजनी पूछती है, हाउ मच ऑफ इट, इसका कितना तुम्हारा है, है ना, हाउ मच, कितना। जिल, ओ आई शुड से द स्टेयरिंग व्हील, मैं कह सकती हूँ स्टेयरिंग व्हील मतलब जिसको पकड़ के कार चलाते हैं वो उसे स्टेयरिंग व्हील कहते हैं, है ना। एंड वन ऑफ द टायर्स, और उसमें से एक टायर, ठीक है, उनका क्या क्या है, उनमें से एक टायर और स्टेयरिंग व्हील, एंड अबाउट टू ऑफ द सिलेंडर्स, और दो सिलेंडर जो उसमें लगते हैं, ये जो कार है वो सिलेंडर वाला है, ये पेट्रोल वाला नहीं है, सिलेंडर वो गैस वाला है, ठीक है, तो गैस से चलता है, तो उसकी दो सिलेंडर हैं, स्टेयरिंग व्हील और एक टायर उनका है खुद का, बाकी सब किस्ती में है, है ना। बट डोंट यू सी, लेकिन आपने नहीं देखा, है ना, दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, इसके बारे में जो वंडरफुल थिंग है, है ना, शानदार बात है, उसके बारे में आपने नहीं देखा। आंजनी, आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट, ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ भी शानदार चीज़ नहीं देखता हूँ, नहीं देखती हूँ, ठीक है, डोंट सी, मैं नहीं देखती हूँ, है ना। जिल, बट देयर इज आंजनी, लेकिन वहाँ पर है आंजनी, यू सी, आपने देखा, ऑल्दो यद्यपि वी कुड नेवर बाय अ कार आउटराइट, आउटराइट मतलब होता है अधिकार सहित, है ना, हम नेवर मतलब कभी नहीं बाय खरीद सकते थे एक कार, अधिकार के साथ हम कभी भी, है ना, अल्दो मतलब यद्यपि होता है, ठीक है, हम यद्यपि हम कभी भी कार अधिकार के साथ नहीं खरीद सकते थे, पूरा पेमेंट नहीं कर सकते थे, वी कैन एन्जॉय, तो हम इन्जॉय करते हैं ऑल द प्लेजर्स, ये जो सारी खुशियाँ हैं, प्लेजर्स हैं, आप मोटरिंग, मोटरिंग मतलब कार चलाने की या कार का मजा लेने की, फॉर मेयर, मेयर मतलब होता है केवल, 5 pounds डाउन, ठीक है, 5 pound की डाउन पर, 5 pound पटाने के बाद हम इसका क्या लेते हैं, मज़ा उठाते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को बोल रही है। चलिए आगे देखते हैं, आंजनी, एंड द रेस्ट बाय इज इंस्टॉलमेंट आई सपोज, आंजनी फिर बोलती है, जो रेस्ट है, जो बचा हुआ है, उसे इजी, आसान, इंस्टॉलमेंट्स मतलब किस्तियों में, आई सपोज, मैं अनुमान लगाते हूँ, तो जिल बोलती है, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही, ठीक। आंजनी आगे बोलती हैं, एग्जैक्टली, एंड वाट अबाउट द रेडियो, वाट इज इट, ठीक है, और रेडियो के बारे में क्या है, उसके बारे में क्या है, है ना। जैक, वेल दैट इज दैट्स द, वो बोलने जा रहा था, जैक कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन बीच में ही आंजनी उसे रोक देती हैं, एंड द पियानो, है ना,
तो जिल कुछ बोल रही है, वेल ऑफ कोर्स ऐसे कुछ कुछ बोलती रहती है, हाँ बहुत अच्छा ऐसे है ना, निशंदेह ऐसे वो बोल रही थी। फिर आंजनी फिर टोक देती है एंड द फर्नीचर है ना, और फर्नीचर के बारे में पूछती है, मतलब एक एक चीज़ के बारे में पूछ रही है, क्योंकि उनकी हर चीज़ जो थी वो किश्तियों में थी। तो जैक थोड़ा सा डर जाता है, आई एम अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरना होता है, सो ठीक है इसलिए है ना। तो आंजनी आगे बोलती है, आई सपोज ऑल यू ओन इज दिस लेग है ना, जो तुम्हारा जो है, मैं सपोज करती हूँ, अनुमान लगाती हूँ कि ये जो तुम्हारा जितना सब कुछ होगा उस फर्नीचर के बारे में, दिस लेग होगा, ये वाला लेग, इस वाला पैर को, मतलब टेबल का या कुर्सी का एक पैर को वो पॉइंट करती है, सी पॉइंट टू वन, ठीक है। तो जिल बोलती है, वेल नो नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो सच्चाई है, इट्स दैट वन, वो किसी दूसरे पाया को, दूसरे पैर को, टेबल या कुर्सी के दूसरे पैर को वो इंगित करती है, पॉइंट करती है ना। तो उनका जो जितना भी फर्नीचर था उसमें से केवल एक पाया उनका खुद का था, बाकी सारी किश्तियों में था, ठीक है। आंजनी, आंजनी फिर आगे बोलती है, एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर सैग आई सपोज, ठीक है। रेस्ट जो बचा हुआ है, बिलोंग संबंधित है टू मिस्टर सैग, मिस्टर सैग यहाँ पर उस वो क्या बोलते हैं, किस्तियों के लिए आया है, किस्ती वाले है ना, जिनके जहाँ से ये लाए थे उनका है, आई सपोज, मैं अनुमान लगाती हूँ। तो जिल बोलती है थोड़ा सा डरते हुए, थोड़ा सा घबराते, यस मतलब हिचकते हुए, यस बोलती है, हाँ बोलती है, ठीक है। आंजनी, वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट है ना, वेल अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू सिट, मैं नहीं बैठने जा रही हूँ, मिस्टर सैग्स पार्ट, सैग के जो पार्ट है, सैग का जो भाग है उस पे, फॉर एनी वन है ना, या फिर और सैग के किसी भी भाग में, किसी भी पीस में मैं नहीं बैठने जा रही हूँ। सी स्टैंड अप, वो खड़ी हो जाती है, नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट्स कम टू, ठीक है, तुम्हारा इन सब का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो कितना आता है, हाउ मच, ठीक है, कितना आता है, ठीक है। चलिए इतने को आज के वीडियो में बंद करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है, बाय बाय।